नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूतरा। फरीदाबाद में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कल रात भी तिगांव में ऐसा ही क्राइम का मामला देखने को मिला, जहां पर चाकू छुरी चल गए और एक की मौत हो गई। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फरीदाबाद के तिगांव वासी पंकज को चाकू मारकर कल रात घायल कर दिया गया, जिसके बाद उसे सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी, बात सिर्फ पानी निकासी को लेकर शुरू हुई और ये तो मैं बाद में चाकू छुरियों तक पहुंच गई, जिसने एक व्यक्ति की जान ले ली। आपको बता दें कि पंकज के भाई विनीत ने बताया कि राहुल और पवन से पंकज की पानी निकासी को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि पवन और राहुल ने चाकू निकाल लिए और अंधाधुंध पंकज और विनीत पर चाकू बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले में विनीत ने तो किसी तरह अपने आप को बचा लिया, लेकिन पंकज को गहरी चोटें लगी थी, जिसके बाद उसे सर्वोदय अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस को सर्वोदय अस्पताल से इस घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके लाया गया। आपको बता दें कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भैया, क्या क्या बात हुई थी, आपका नाम क्या पहले तो? भाई मेरा नाम विनीत है। कहाँ रहते हैं आप? गाँव में रहता हूँ। क्या बात हुई थी आज? भाई आज सुबह इनके आपस में झगड़ा हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने साथ सबने मिलके पंकज को मारने की कोशिश की थी। एक तो इसमें राहुल है, मेन पवन है, और राहुल ने मेरे को चक्कू मारा था, पवन ने उसको मारा था पंकज को। किस बात की झगड़ा है? इनके पिताजी भी इन्वॉल्व है, इनकी मम्मी भी है, इन्होंने झगड़ा पकड़ने में और मारने में। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपका? भाई गली में आपसे वो चल रहा था। तिगांव कौन सी जगह? तिगांव कौन सी जगह रहते हैं? जेलदार। दो पड़ोसियों के बीच पानी का विवाद था, पानी की निकासी बारे, और उसमें से पंकज पुत्र राजवीर को चाकू मारे गए, उसकी मौत हो गई। कितने युवक थे सर, उसकी कोई जानकारी? इसमें 6 व्यक्ति नामजद हैं FIR, इनके पड़ोस में रहने वाले हैं। उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई अभी? हाँ, गिरफ्तारी कुछ हुई है, उसकी हम लोग धाराएँ वगैरह कुछ धाराएँ जो मंत्री की धाराएँ हैं वो लगाई हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।